हेलो एवरीवन आज हमारा सीआरएम का लेक्चर नंबर फोर्थ है इससे पहले हम सीआरएम के तीन लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिकली सीआरएम क्या होता है उसकी डेफिनेशन क्या है उसके कुछ छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसका एवोल्यूशन पढ़ा है तो आपने अगर वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि पहले जाके आप वो देखिए तो हम आज के लेक्चर की बात करते हैं आज हम पढ़ेंगे कस्टमर परसेप्शन कुछ सी आर एम के एलिमेंट्स और छोटी छोटी डेफिनेशन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है आप इन्हें नोट डाउन ज़रूर करके रखिएगा तो लेट स्टार्ट आज का पहला टॉपिक कस्टमर परसेप्शन बेसिकली मैं आपको लेमेंट टर्म में पहले समझाऊँगी कि परसेप्शन होता क्या है उसके बाद हम कस्टमर परसेप्शन पे जाएंगे क्योंकि लेमन टर्म से ही इसकी डेफिनेशन डिफाइंड है आप रिलेट कर पाएंगे परसेप्शन बेसिकली क्या होता है इम्प्रेशन या इंटरप्रीट आपने किसी चीज़ को देखा या कुछ सुना या कहीं कुछ पढ़ा उसके बेसिस पे आपके माइंड में एक चीज़ का एक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है आप उसको समझ पाते हैं कि ये क्या है उसको कैसे इंटरप्रीट करते हैं वो चीज़ बेसिकली परसेप्शन होती है कस्टमर परसेप्शन भी वही होता है कि आप एक प्रोडक्ट को क्या उसके बारे में सोचते हैं क्या फ़ील करते हैं किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया आपके सामने आया या डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ आपका कंपनी के सेल्स उसके साथ या इनडायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ एडवरटाइजमेंट के साथ तो वो उस प्रोडक्ट का जो परसेप्शन आप उसके बारे में क्या फील करते हैं वही कस्टमर परसेप्शन होता है तो पढ़ते हैं हम इसकी डेफिनेशन कस्टमर परफेक्शन एनालिसिस इज अ वैल्यू चेन असेसमेंट मेथोलॉजी दैट गिव्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन इंट्रैक्शन विद कस्टमर परसेप्शन इज अ प्रोसेस थ्रू विच द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइडर्स एनवायरनमेंट इज सेलेक्टेड रिसीव्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटरप्रीटेड टू मेक इट मीनिंगफुल वही मैंने आपको समझाया कि आप उसको कैसे इंटरप्रीट करते हैं आप उसको कैसे रिसीव करते हैं वही हमारा कस्टमर परसेप्शन एनालिसिस होता है परसेप्शन की डेफिनेशन परसेप्शन इज सेलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल्स विथ स्टेम्स फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट एट वन टाइम और द अदर टू प्रोवाइड द मीनिंगफुल एंटिटी वी एक्सपीरियंस ये आपकी परसेप्शन की डेफिनेशन है परसेप्शन की डेफिनेशन आज सच इंपॉर्टेंट नहीं है जो कस्टमर परसेप्शन एनालिसिस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दी है अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कस्टमर परसेप्शन एनालिसिस पे डिफ़ाइन होते हैं मतलब उसको अफेक्ट करते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं कि कस्टमर आपकी चीज़ को कैसे रिसीव कर रहा है कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस तरीके से हम पे ये इफेक्ट डालते हैं इसमें आपको एक छोटी सी टर्म समझनी होगी पहले स्ट्यूमिलाई या स्ट्यूमुलस क्या होता है आपने कभी देखा होगा आपने ये साइंस की टर्म है बेसिकली कभी किसी गर्म चीज़ पर हाथ लगाया और वो एकदम से हटा लिया तो वो हमारी एक एक्टिविटी है जो सडन हमारे अंदर आई तो उस भी वो चीज़ है जो उस एक्टिविटी को कॉज कर रहा है तो उस वो कहलाता है तो सबसे पहला फैक्टर हम पढ़ते हैं एक्सपोजर अटेंशन ये क्या होता है बेसिकली एक्सपोजर मतलब आपने जो देखा उसको देख के उसकी लुक्स को देख के या उसमें कुछ अट्रैक्टिव देख के आपके माइंड में क्या परसेप्शन बना वो बेसिकली एक्सपोजर अटेंशन होता है उस एक अटेंशन से आपके माइंड में एक चीज डिफाइन कर देता है वो एक स्पेस अलोकेट कर देता है कि हाँ ये चीज ऐसी हो सकती है तो वो एक्सपोजर अटेंशन में आता है फिर इंटरप्रिटेशन आप उसको कैसे इंटरप्रीट करते हैं मतलब आपने कुछ देखा तो उस आपके माइंड ने आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसको कैसे इंटरप्रीट किया वो इंटरप्रिटेशन में आता है रेलेवेंस, रेलिवेंस मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कस्टमर्स के लिए रेलिवेंस अब जो चीज़ मेरे लिए रेलिवेंट नहीं होगी या आपके लिए रेलिवेंट नहीं होगी तो आप उस चीज़ को देखने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे जैसे आपकी स्टूडेंट लाइफ है अगर कोई आपको कोई इन्वेस्टमेंट प्लान समझाएगा तो वो आपके लिए रेलीवेंट नहीं है वो आपके माइंड में कोई परसेप्शन क्रिएट नहीं करेगा क्योंकि वो चीज़ आपके लिए रेलेवेंट नहीं है तो रेलेवेंस किसी कस्टमर के लिए बहुत ज़रूरी होती है फोर्थ आता है सरप्राइजिंग ट्यूमिला ये क्या होता है आपने कुछ चीज़ देखी किसी भी अननोन चीज़ को देख के आपका अटेंशन ग्रैप हो गया कुछ कलरफुल या कुछ समथिंग जो आपको अट्रैक्ट कर गया तो वो होता है एक सरप्राइजिंग स्टिमुलस ये मोस्ट अफेक्टिव होता है मोस्ट अफेक्टिव किसी चीज़ को देख के आपकी एक अटेंशन ग्रैप हो गई जो बेसिकली इसमें रिक्वायर्ड होता है फिफ्थ होता है सबलिमियल स्टमिलाई सबलिमियल स्टमलाई इज़ बेसिकली सबलिमियल किसी चीज़ को सप्रेस कर देना मतलब आपको वो चीज़ दिखाई तो दी पर आपके माइंड ने उसे प्रोसेस करने से पहले उसको डिस्कार्ड कर दिया मतलब परसेप्शन क्रिएट करने से पहले ही वो चीज़ ख़त्म हो गई जैसे आपने कभी देखा होगा आ, कुछ एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जिसमें स्टार मार्क करके कुछ बिल्कुल छोटा छोटा लिखा आता है एंड सडन मोमेंट के बाद वो डिसअपियर हो जाता है तो वो फ्लैश फ्लैशी इमेज जो फ्लैश होती है क्विकली जिसे हमारा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता है वो हमारे सब्लिमेल्स टूमिलाइज में आते हैं सिक्स आता है आपका सलेक्टिव परसेप्शन प्रोसेस सेलेक्टिव परसेप्शन प्रोसेस क्या होती है हमारे एक बिहेवियर होता है कि हमें जो चीज़ सही लगती है हम उसको हमेशा एक्सेप्ट करना चाहते हैं जो हमारे अगेंस्ट है या कुछ हमसे अलग है उसको हम जनरली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो बेसिकली सेलेक्टिव परसेप्शन यही है कि हम गुड थिंग्स जो हमारे लिए हमें लगता है कि सही हैं और जो बैड थिंग्स हैं हम उनको इग्नोर कर देते हैं बेसिकली ये ऐसा है कि आ, हमने किसी चीज़ में देखा कुछ हमारा फ़ायदा हमें दिख रहा है तो हम उस गुड थिंग को देखेंगे और दूसरी चीज़ को इग्नोर कर देंगे जो हमारे लिए थोड़ी अनहेल्दी या कुछ भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो तो वो एक टेंडेंसी है हमारी हम भूल जाते हैं उन चीज़ों के बारे में जो हमें डिसकम्फर्ट या अनइजी एक तरीके से फील कराती हैं तो वो हमारा सेलेक्टिव परसेप्शन में आता है सेवेंथ हमारा होता है सेलेक्टिव एक्सपोजर सेलेक्टिव एक्सपोजर में हम हमारे प्री एग्जिस्टिंग व्यूज़ जो हमारे एक बिहेवियर होता है ह्यूमन बिहेवियर जो हमारे बिहेवियर के अकॉर्डिंग फेवरेबल है हम उसी को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं तो बेसिकली सेलेक्टिव एक्सपोजर में वही आता है एट हमारा आता है सेलेक्टिव अटेंशन सेलेक्टिव अटेंशन में हम सिर्फ पर्टिकुलर उन डिटेल्स पे ही फोकस करते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जो अनइम्पॉर्टेंट है हम उस पर फोकस ही नहीं करते हैं तो वो हमारा सेलेक्टिव अटेंशन में आता है नाइन्थ हमारा सेलेक्टिव कॉम्प्रीहेंशन सेलेक्टिव कॉम्प्रीहेंशन मतलब हम उसी चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं जो हमारे सामने हमें दिखाई जाए जैसे किसी भी प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर नेम दे दिया गया तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के नेम से हमारे माइंड में जो इमेज क्रिएट होती है वो हमारा सेलेक्टिव कॉम्प्रीहेंशन से आता है और टेंथ हमारा आता है सेलेक्टिव रिटेंशन सेलेक्टिव रिटेंशन मींस हम उसी चीज़ को रिटेन करते हैं अपने माइंड में जो हमारे लिए एक हमारे फेवर में हो जैसे कि अगर हमें कोई काम है हमारा खुद का काम है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है तो हम उसे माइंड में रिटेन कर पाएंगे और अगर किसी और ने हमें कुछ चीज़ याद रखने को कही है जो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उसे रिटेन नहीं करते हैं सिमिलर प्रोसेस है सिलेक्टिव रिटेंशन मतलब हमारे काम की जो चीज़ है हमने उसको माइंड में रिटेन कर लिया तो ये हमारे कुछ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर हैं जो हमारे कस्टमर परसेप्शन एनालिसिस में काम आते हैं नेक्स्ट आती है हमारी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू क्या होती है पहले हम समझते हैं कि कस्टमर लाइफ टाइम क्या होता है कोई भी कस्टमर एक कंपनी से जुड़ा और जब तक वो रहा कंपनी के साथ तो वो उसकी लाइफ टाइम होती है मतलब उसने कितना टाइम आपकी कंपनी के साथ या उस प्रोडक्ट के साथ वो बिताया वो हमारा कस्टमर लाइफ टाइम होता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या होती है कि उसने हमारी कंपनी को कितनी वैल्यू दी मतलब वो हमारी कंपनी से जितने टाइम जुड़ा रहा उसने कितनी वैल्यू दी मतलब कितने अमाउंट के गुड्स परचेज किए वो हमारा कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू में आता है तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू या फिर लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू या लाइफ टाइम वैल्यू इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ़ द कैश फ्लो एंट्रीब्यूटेड टू द रिलेशनशिप विद अ कस्टमर द यूज ऑफ कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू एज अ मार्केटिंग मेट्रिक्स टेंस टू प्लेस क्रिएटर एम्फेसिस ऑन कस्टमर सर्विस एंड अ लॉन्ग टर्म कस्टमर सेटिस्फैक्शन रैदर देन ऑन मैक्सीमाइजिंग शॉर्ट टर्म सेल्स तो हम ये कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ाने के लिए ही तो हम सी आर एम करते हैं कि हमारे साथ कस्टमर जुड़ा रहे और वो जब तक जुड़ा रहे हमारी कंपनी के लिए कुछ वैल्यू क्रिएट करता रहे तो वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने का है बिल्डिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर सेंट्रिक स्ट्रैटेजीज एंड मैक्सीमाइज प्रॉफिट पोटेंशियल एंड आवर हाई इम्पैक्ट प्रोसेस फॉर बिकमिंग मोर कस्टमर सेंट्रिक एंड क्रिएटिंग इनोवेटिव स्ट्रैटीज विल बी वैल्यूबल ओनली इफ वी कैन इफेक्टिवली डिलीवर ऑन दिस प्रोफिटली आई थिंक समझ में आ गया होगा नेक्स्ट चलते हैं अब हमारे आते हैं आज का लास्ट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ सी आर एम एलिमेंट्स क्या हैं छोटे छोटे पॉइंट्स हैं हमारी कस्टमर की नॉलेज हमारे प्रोडक्ट के बारे में बेसिकली तो वो हमारी कस्टमर नॉलेज रिलेशनशिप स्ट्रेटजीज कैसी हैं हमारी उस कस्टमर के साथ हमारा कम्युनिकेशन उस कस्टमर के साथ कैसा है इंडिविजुअल वैल्यू प्रोपोजिशंस सेल्स फोर्स ऑटोमेशन एंड कैंपेन मैनेजमेंट सेल्स फोर्स ऑटोमेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था इसमें भी समझा देती हूँ ये बेसिकली हमारी डिपार्टमेंट कि जो सेल्स है उसको ऑटोमेट करता है बाय सेंडिंग मेल्स और कैसे भी वो ऑटोमेटेड प्रोसेस जो होता है वो हमारा सेल्स फोर्स ऑटोमेशन होता है क्या लिखा हुआ है द कंपनी सेल्स डिपार्टमेंट इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर द सेल्स अपॉर्चुनिटीज विद एग्जिस्टिंग एंड द न्यू कस्टमर द सेल्स फोर्स ऑटोमेशन फंक्शनैलिटी ऑफ सी आर एम सॉफ्टवेयर अलाउज द सेल्स टीम टू रिकॉर्ड ईच कॉन्टैक्ट विद कस्टमर एंड द डिटेल्स ऑफ द कस्टमर एंड इट फॉलोज अप इज रिक्वायर्ड एंड कैंपेन मैनेजमेंट बेसिकली कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है या कुछ भी वो एक कैंपेन चलाती है ताकि कस्टमर से इंटरक्ट कर पाए तो वो कैंपेन मैनेजमेंट द सेल्स टीम अप्रोचेज प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इन द होप ऑफ विनिंग द न्यू बिजनेस एंड द अप्रोच टेकिन बाय द सेल्स टीम इज ऑवेन फोकस इन अ कैम्पेन वे आर अ ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक कस्टमर्स आर टारगेटेड बेज्ड ऑन द सेट ऑफ क्राइटेरियाज तो ये कुछ एलिमेंट्स थे तो हमने आज बेसिकली एलिमेंट्स कस्टमर परसेप्शन ये दो टॉपिक्स मेनली कवर किए हैं तो आज के लिए इतना ही थैंक यू